हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे वायरस के बारे में जो चीन के साथ साथ पूरे विश्व में तेजी से फैल रहा है, जिसका भयानक खाप देश भर में फैलता जा रहा है। चीन के बात करें तो चीन में एक दूसरे से बात करना तो दूर की बात, यहाँ तक एक दूसरे के साथ हाथ मिलाना भी खतरनाक बना हुआ है। ये वायरस चीन के वुहान शहर से पूरे विश्व में फैलता जा रहा है। वुहान शहर के लोगों को घर से बाहर निकलना निषिद्ध कर दिया गया है। शहर में लोगों का आना जाना बंद कर दिया गया है। कोरोना वायरस के चलते चीन में अब तक 80 से ज़्यादा लोग मारे जा चुके हैं और 2000 से ज़्यादा लोग इस वायरस से पीड़ित हैं, जिनका इलाज चल रहा है। चीन के स्वास्थ्य मंत्री खासाओवी ने बताया कि इस वायरस का असर 14 दिन का है, पर दिक्कत यह है कि इस बीमारी का पता ही नहीं चल पाता है। जांच के मुताबिक कोरोना वायरस SARS से भी ज़्यादा खतरनाक वायरस है। SARS वायरस ने साल 2003 में चीन में मौत का कहर बरसाया था, जिसके चलते करीब 800 लोगों की मौत हुई थी। कोरोना वायरस के चलते चीन और हांगकांग के स्कूल कॉलेज खोलने में पाबंदी लगा दी गई है और हर तरीके के जानवर की मांस बेचने पर रोक लगा दी गई है। चीन के साथ साथ कोरोना वायरस भारत को भी अपने लपेटों में ले चुका है। केरल में कोरोना वायरस का पॉजिटिव केस सामने आया है। यह वायरस चीन के वुहान यूनिवर्सिटी के एक छात्र में पाया गया, जो चीन से भारत लौट रहा था। ये छात्र केरल से चीन के वुहान यूनिवर्सिटी में पढ़ने गया था। वहां से लौटते वक्त एयरपोर्ट में जांच के दौरान इस वायरस का पॉजिटिव साइन पाया गया। ऐसे ही एक और केस सामने आया राजस्थान के राजधानी जयपुर में। चीन से MBBS करके लौटे एक डॉक्टर को कोरोना वायरस से संक्रमित होने की आशंका के चलते जयपुर के हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया और डॉक्टर के पूरी फैमिली के जांच कराई जा रही है। राजस्थान के स्वास्थ्य मंत्री के मुताबिक कोरोना वायरस के दौरान 4 जिलों में 18 लोग चीन से लौटे हैं, जिन्हें 28 दिनों तक विशेष निगरानी में रखने का निर्देश दिया गया है। ऐसे ही कई राज्यों में हाल ही में चीन से लौटे छात्रों और लोगों को संदेह के दौरान अलग अलग हॉस्पिटल में अलग वार्ड में रखा गया है। चीन के साथ संपर्कित हर एक एयरपोर्ट में थर्मोस्क्रीनिंग के जांच जारी है। चीन से आए हुए हर एक यात्री के जांच कराई जा रही है। भारत के 7 एयरपोर्टों में कड़ी निगरानी की व्यवस्था कराई गई है। केरल और महाराष्ट्र को मिलाकर लगभग 200 लोगों को निगरानी में रखा गया है, जो हाल ही में ही चीन से लौटे हुए हैं। भारत से चीन के वुहान शहर में फंसे भारतीयों को निकालने का आग्रह किया गया है। पेचिंग में भारतीय दूतावास ने चीन में फंसे भारतीय के लिए 3 हेल्पलाइन नंबर जारी की है। पहला नंबर +861 861 208 3629, दूसरा नंबर +861 861 208 3617 और तीसरा नंबर है +861 861 09
52903। विदेशों की बात करें तो कोरोना वायरस अमेरिका, थाईलैंड, कोरिया, नेपाल, जापान, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, हांगकांग, सिंगापुर, ताइवान और कनाडा में भी फैल चुका है। इस बीमारी का लक्षण है सर्दी, नाक बहना, खांसी, गले में खराश, बुखार, अस्थमा का बिगड़ना, थकान महसूस करना और निमोनिया। दोस्तों, ऐसे ही जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास के बेल आइकन को क्लिक करें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करें।